मैं कितना डरा था। चोर चक्का चौधरी लूंडी रान प्रधान कौन बचाएगा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है फिल्म कश्मीर फाइल्स की। हर गली मोहल्ले चाय की दुकान पर किसी फिल्म की चर्चा होना कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले मैंने किसी फिल्म की इस तरह से चर्चा देखी थी, वो थी फिल्म शोले। पर शोले और द कश्मीर फाइल्स फिल्म में दोनों में कोई संबंध नहीं है। शोले फिल्म की चर्चा इसलिए हुई थी कि इस फिल्म में सब कुछ था, यानी कॉमेडी, ड्रामा, वायलेंस और इमोशंस। यानी जिस चीज़ के लिए हम एक सिनेमा घर में जाते हैं वो सब कुछ था इस फिल्म में। पर द कश्मीर फाइल्स में इनमें से इमोशंस और वायलेंस ही है। पर शोले फिल्म के वायलेंस और इमोशंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि दर्शकों को पता है कि ये इमोशंस और वायलेंस हिंदुस्तान के कश्मीरी पंडितों ने जिया है, और यहीं पर दर्शक खुद को इस फिल्म में एक करेक्टर की तरह देख लेता है कि यदि उनके परिवार वालों ने ये सब कुछ सहा होता तो कैसा लगता उन्हें। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुए, सच में दोस्तों यहाँ पर जुल्म शब्द भी बहुत छोटा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने वालों का कलेजा पत्थर का नहीं लोहे का रहा होगा, जिसे देखने भर से हमारी रूह कांप जाती है। इस कृत्य को करने वालों ने अंजाम कैसे दिया होगा? ये कौन लोग हैं? क्या ऐसे लोगों को समाज में या देश में रहने का हक है? बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी घृणित कार्य हमारी मीडिया ने किया, जो कि आज तक हमसे छुपाया जाता रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ। 1947 में भी देश का बंटवारा हुआ, तब भारत को एक सेक्युलर देश घोषित किया गया और यहाँ पर रह रहे मुसलमानों को कहा गया कि यदि आप यहाँ पर रहना चाहें तो पूरी स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं। वहीं पाकिस्तान को एक मुस्लिम देश बना दिया गया। वहाँ हिंदुओं से कहा गया कि या तो मुस्लिम बन जाओ या चले जाओ या मर जाओ। यही नारा 1990 में कश्मीर में दोहराया गया। यहाँ पर तो किसी भी मुसलमान को न भगाया गया, न मारा गया, न धर्म बदलवाया गया। यही कारण है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान आज भारत में रहते हैं। हमारे साथ आज भी अन्याय हो रहा है दोस्तों। हमारे साथ 1947 में जो कुछ हुआ उसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सच्चाई दिखाने का सिलसिला जारी रहेगा और इस देश में अब और भी कई विवेक अग्निहोत्री सामने आएंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स से जो हिंदू जागरण शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद है अब वह आगे भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, सच में दोस्तों हिंदुस्तान के हिंदुओं पर जो जुल्म हुए हैं, उस जुल्म की सच्चाई देखने के लिए आप एक बार इस फिल्म को देखने सिनेमाघर जरूर जाएं। अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघर में देखने जाएंगे तो हिंदुस्तान की कई और सच्चाई सामने आएंगी। हम मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाते रहते हैं, अपनी सच्चाई देखने के लिए अब हमको घर से निकलना पड़ेगा। और ऐसी जितनी भी फिल्में बनेंगी जिन फिल्मों में हमारी सच्चाई दिखाई जाएगी, हम प्रण करते हैं कि उसको देखने सिनेमाघर में ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद।